दिखावा ऊपर से है मोदी जी का, अंदर से तो कुछ और है, बाहर कुछ और है। गरीबों का कोई भला नहीं तो क्या करेंगे? देखे देना है, आप रोटी दो या बोटी दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मैं जिसको देऊंगा उसको दूंगा, अगर वो पड़ोसी हैं हम उनके। किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं। इस समय हम रामा देवी क्षेत्र में हैं, यहाँ पे जनता की राय जानने के लिए कि 2024 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं उनसे। अनवेश नाम मेरा। अच्छा, किसको चुनाव करेंगे भाई? मैं जो देश के काल कर रहे हैं, इसमें बेरोजगारी बहुत है। हम लोग जॉब के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं भी जॉब मिल नहीं रही है। जिस कारण हम उसी को चुनाव करेंगे जो आगे चल के हमारे देश के लिए कुछ कार्य कर सके। अच्छा अच्छा, मैडम आइए। एक चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक ड्राइवर साहब है, उनसे ही बात करने की कोशिश। क्या नाम है भैया? अरे देखिए, हम तो हमारा यही उद्देश्य है कि रोजगार मिले। अरे रोजगार मिले, रोजगार मिले तो रोजगार किसी से आशा होगी ना। हाँ, मोदी जी एक तरफ, राहुल गांधी, किससे लग रहा आशा? कौन हमको रोजगार दे सकता है? रोजगार देखिए, अगर सरकार चाहे तो कोई भी दे सकती है। मोदी जी हाँ कर चुके हैं। हाँ, क्या चाहते हैं? परिवर्तन या फिर मोदी जी? ये सत्ता परिवर्तन होना तो एक ही का रहना जरूरी नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? राहुल जायसवाल नाम है। चुनावी माहौल है इस समय? जी जी। क्या चल रहा है इस समय? बस भगवा के रंग में सब रंगे हैं। अच्छा, भगवा के रंग। उत्सुकता है। हाँ, उत्सुकता है, बड़ा अच्छे से मोदी जी आएंगे और अंडे। अरे आ रहे हैं लोग, सुनने जाएंगे उनको शाम को सब। अच्छा, कानपुर वाले सब उनको सुनने जाएंगे। अच्छा, चलिए मोदी जी को सुनने जाएंगे लोग। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? राजन तिवारी। क्या लग रहा है इस समय चुनावी माहौल है, किसको वोट आउट करेंगे? जिसको मोदी जी को बस। अच्छा, मोदी जी को जिसको दस दे। बताऊँ ना, बताया करो, पूरा जवाब तो दो। बस मोदी जी का उसमें वोट आपके बाद पूरा कानपुर जिले से, और जाओ कुछ कोई नहीं जाएगा, उन्हीं की चलती। चलो, मोदी दीवाने हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? मूलचंद। अच्छा, चुनावी माहौल है। हाँ, मोदी जी भी कानपुर आ रहे हैं। हाँ, चुनाव मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा, मोदी को जिताएंगे। हाँ, मोदी जिताएंगे भैया मोदी ने। अरे बहुत कर रहा है सबके लिए। हाँ, सबके लिए अच्छा कर रहा है। क्या नाम है आपका? कसल पाल। अच्छा, कहाँ वोट कहाँ डालेंगे? वोट मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। मोदी भक्त है भैया, और भी लोग हैं। क्या नाम है दादा? दीनदयाल। अच्छा, कहाँ वोट कहाँ डालेंगे? अरे भाजपा क्या किसको किया कुछ क्या? गरीब जनता मर रही है, भूखन, महंगाई दे, क्या महंगाई है? महंगाई पूछे ना मोदी, क्या जनता के पर परेशान है। हाँ, तो वही तो, फिर भी मोदी पर बने हुए लोग क्या कहोगे? अब हम क्या कहेंगे, समय बताएगा। चलिए, और भी लोग हैं, देखिए हमसे बात करते हैं। आपको राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल, आपको राशन मिल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या करोगे आप? क्या करोगे उनकी जोड़ी, आप बताओ। मैं तो जो कहता हूँ किसी की बने अच्छी चले, अच्छी चले, और क्या चाहता हूँ मैं? कैसे जब वोट करोगे तभी तो चलेगी। मैं तो अखिलेश का आदमी हूँ, यादव हूँ मैं, जात का यादव हूँ। अच्छा, बात साफ है, उसमें कोई बुराई नहीं भैया। देखो, वोट अपना देना है, आप रोटी दो या बोटी दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मैं जिसको देऊंगा उसको दूंगा, अगर वो पड़ोसी हैं हम उनके। अच्छा, नहीं चाचा भाई, मुलायम सिंह हमारे गली से ही निकलते थे साइकिल लेके बेचारे। क्या नाम है आपका? राजेश। 24 का चुनाव है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है राहुल गांधी, किसको चुनाव करेंगे? मोदी को। मोदी को करेंगे, क्यों? क्या है मोदी में ऐसा? अरे कुछ तो अच्छा है, तभी तो करना है। अच्छा, कुछ तो अच्छा है। हाँ, अच्छा, चलिए और लोग हैं। अरे किसको चुनाव करेंगे आप भैया? मोदी को। अच्छा, मोदी को करेंगे, मोदी करते हैं भाई ये लोग। चलिए और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। मोहम्मद शमशाद। चुनाव
कितना चल रहा है इस समय, एक तरफ मोदी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, किसको चुनाव करेंगे? अखिलेश यादव। चलिए देखिए, अखिलेश यादव के भी लोग हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? भाई उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे, देखिए उनकी क्या राय है। हमारा सितारा नाम है। ये किस्मत की बात है भैया, वोट किसको मिल जाए। अरे किसको दे, नेता तो बने हैं, ऐसा अंदर से खोखला कर दिए हैं तो अब बाहर आके का खोखला करेंगे? वही बात है ना, एक तरफ अरे इंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव राहुल गांधी, एक तरफ नहीं तो भैया हम अखिलेश को देंगे। हाँ अखिलेश को देंगे, इसमें कोई से गठबंधन की बात नहीं है। बात यह है कि दिखावा ऊपर से है मोदी जी का, अंदर से तो कुछ और है, बाहर कुछ और है। गरीबों का कोई भला नहीं तो क्या करेंगे? देखे वो तो कह रहे हैं रोजगार बढ़ाए, बढ़ा क्या रोजगार बढ़ाए? अगर सही गरीब आदमी अपने हाथों से कमाए ना खाए, वो दिखावा के लिए हम गल्ला बांट रहे हैं, आटा तेल बांट रहे हैं, फिर अंदर से बाहर से जाके कुछ भी कर देते हैं, वो दिखावा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, राशन मिल रहा है, जिनके कार्ड है उनको राशन मिल रहा है, जिनको रहने का है उनको राशन मिल रहा है, जिनके कुछ नहीं ना रोड पे है वो बेचारे डंडा खा रहे हैं, उससे फायदा क्या है? आप बताइए इससे क्या फायदा है जनता के लिए? बिल्कुल यहाँ की जनता है आक्रोशित है, क्योंकि मोदी जी का ये कहना है कि हम राशन और तमाम बेरोजगारी मिटा के हम चुनाव जीतेंगे, मगर यहाँ की जो जनता है उनका सीधा आरोप है कि जिस तरीके से जनता यहाँ पे पीड़ित दिख रही। चलिए और भी लोग है उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया? जय बुढ़ा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुम्मन। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय जी, मोदी जी कानपुर आ रहे हैं, किसको वोट देंगे, मोदी जी या राहुल गांधी? देखो भैया, अब ये कारोबार जो है सही हो जाए और हमको क्या करना, कोई भी कौन सही करेगा? 10 साल से मोदी जी को भी देखा है, अब क्या आने वाले चुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग भी होनी है, क्या करेंगे? जो करेंगे अब जो वही होगा, किसको वोट देंगे? और जो कर कोई जीते हमसे इससे नहीं मतलब है, ये है कि कारोबार सही हो जाए, गरीब आदमी कमाने खाने लगे और कोई नहीं। क्या नाम है आपका, आप बताइए? जमी अजमेरी। अच्छा, 24 का चुनाव आ रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ मोदी जी है, किसको वोट देंगे? अभी बदलाव होगा भाई। अच्छा, बदलाव होगा मतलब इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। और भी लोग है उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। 24 का चुनाव है जी, प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि 420 है जी, क्या कहोगे? हमारे यहाँ से जो गठबंधन है ऐसा कि हमारे यहाँ जो गठबंधन है और राजाराम पाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपने समाज और उनको हम वोट करने जा रहे हैं इस बार। समाज तो संजय निषाद भी है जो कैबिनेट मंत्री है बीजेपी में, जो कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद जी जो है वो हम लोगों का कभी हित नहीं सोचे हैं। राजाराम पाल एक हमारे ऐसे सामाजिक वो हैं, वो अन्य जगह से भी चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, हम लोग उनसे हमेशा मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो हम लोगों ने अब की प्लान बना लिया कि अब की हम लोग उनको मतदान करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्याशी पे भी डिपेंड होता है जी। क्या नाम है? आलोक कुमार। क्या माहौल है, किसको चुनाव ना होगा? राजा रामपाल जीत रहे हैं हमारे यहाँ, राजा रामपाल जीत रहे हैं। क्या है इसका, क्या है? देवेंद्र सिंह बोले भी 10 साल से यहाँ पे सांसद थे, क्या हुआ सांसद? आप यहाँ किसी से पूछिए कोई उन्हें जानता नहीं है, ऐसे तो जानते हैं सांसद जी हैं हमारे लेकिन कभी आए नहीं है, पर्सनल नहीं जानते हैं, पर्सनल किसी को नहीं जानते, लेकिन पर्सनल जानते ही नहीं। हाँ, लेकिन राजा रामपाल जो है वो सबको जानते हैं। चलिए और भी बुजुर्ग हैं, जरा उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? भगवान दीन। अच्छा, कहाँ वोट वोट कहाँ डालोगे भाई? राजा रामपाल का। राजा रामपाल को दोगे? अच्छा, कहाँ है मोदी जी से कुछ नहीं हो? अरे खुश तो है, नहीं खुश नहीं, हमारे इनका हित ही वही मनो संहारे तो देखे थे, और देखो देखा सुना था उसी का हित किया जाता है। अच्छा, तो बात ये है, यानी राजा रामपाल जीतेंगे तो आप लोगों के काम होंगे? हमारे काम वही की है। अच्छा, चलिए एक दादा है। क्या नाम है दादा आपका? जयराम। अच्छा, कहाँ वोट और कहाँ डालोगे? राजा रामपाल। राजा रामपाल। अच्छा, दूसरे देवेंद्र सिंह भोले हैं, उनका कोई है नहीं? अच्छा, जो देखते हैं उनको तो हर आदमी कहेगा। अच्छा,
आपका क्या नाम भैया? सुरेश कुमार। अच्छा, कहाँ वोट कहाँ डालोगे भाई? भैया इस चुनावी चर्चा है भैया, पर हम इस बार वोट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को देंगे, क्योंकि हमने निषाद समाज से हम हैं, तो संजय निषाद जी को हमने बहुत देखा, 10 साल देखा संजय निषाद जी ने। संजय निषाद कहते हैं कि जितना निषाद वोट है वो हमारी झोली में है। वो उनके बपौती नहीं है, पूरी उनकी जायदाद नहीं निषाद समाज, ठीक है भैया। ये उन्होंने केवल निषाद समाज की दलाली करने का काम किया उन्होंने, क्योंकि निषाद समाज का एससी एसटी आरक्षण आज तक नहीं दिला पाए तो भविष्य में क्या दिलाएंगे? जो अपने एक सिंबल नहीं ले पाए, अपने अपनी अपनी पार्टी से अपनी एक टिकट नहीं ले पाए तो दूसरी क्या बात करेंगे? मतलब संजय निषाद से संतुष्ट नहीं है? संजय निषाद भाजपा दोनों से नहीं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है? अर्जुन। अच्छा, क्या है इस समय चुनावी माहौल, क्या चल रहा है? चुनाव माहौल राजा राम पाल को वोट, राजा राम पाल को चलेगा। चलिए बढ़िया है, राजा राम पाल ही है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। हाँ, युवा मिल गए। क्या नाम है? सुनील निषाद। कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे टहल रहे हैं। वोटिंग वोटिंग चालू है, 13 तारीख को चुनाव होने हैं। किसको चुनाव? अब जिसको अपना देखेंगे उसे ही डालेंगे, क्या बताएं। जिसको देखोगे पहले इसका प्लान नहीं बनाया? राजा राम है अपने इधर, तो हमारे दोनों पाल है। पाल जी गठबंधन से। हाँ, तो मोदी जी, आप तो मोदी जी, मोदी जी तो जितने युवा है वो कुछ नहीं, मोदी तो कुछ नहीं है, क्या किया जाए भैया। वो फिर राशन खिला रहे हैं, तब क्या इतना तो हम लोग खुद बांट देते हैं, 5 किलो राशन। हाँ, बड़े। चलिए, यहाँ के लोग हैं जो राजा राम पाल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी से खुश नहीं है, क्योंकि मोदी की जो कार्यशैली है उनसे नाकुश नजर आ रहा है। और भी लोग हैं, चलो युवा है। आओ भैया, आओ आओ इधर आया। चलिए आइए, कुछ लोग और हैं, जरा उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश नाथ प्रजापति। 24 का चुनाव है। हाँ। चुनावी माहौल चल रहा है, इस समय जगह जगह चर्चा चल रही है। हाँ। कहाँ वोट डालेंगे? अब देखिए, कहीं ना कहीं तो वोट पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं पहले प्लान तो बनाया होगा ना, किसको वोट देंगे, किसको बता दे। इंडिया गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ मोदी जी, एक तरफ मोदी सरकार। चलिए, मोदी जी को ही डाल देंगे। अच्छा, मेरे कहने से क्या होगा, वो तो आप लोग भाई, जनता है, जनता चुनेगी जिसको वही। चलिए और भी बाबूजी बताइए। बस भैया, जिसको चाहेंगे भगवान दे देंगे। भगवान क्या चाहेंगे, वोट तो आप डालेंगे भाई। हमारे क्षेत्र में सतीश निगम ने काम किया है, सतीश निगम ने काम किया है, वो तो मैं जनूनन है, जनूनन है। क्या हाल चाल है? मैं पंकज कुमार निषाद एडवोकेट हूँ जी, जी। जो हमारे यानी क्या नाम है, उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन और हमारे कानपुर की बार एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगी, जो हमारे हित में सरकार हम लोग के फायदेमंद के लिए रहेगी, हम लोग उनके साथ। देखिए, अधिवक्ता संघ अलग हो गया, हम लोग अधिवक्ता ही संघ के साथ है। बस मेन ये है कि इस समय चुनावी माहौल, चुनावी माहौल भाई, देखो अधिवक्ता हर पार्टी में होते हैं, जो हमारी टीम अधिवक्ता वो कहेगी पूरी, जो अधिवक्ता के हित में पेंशन और सब यानी बिजली पानी जो भी हम लोग के मुहैया अधिवक्ताओं को कराएगी, और जो हम लोग की टीम डिसाइड करेगी हम लोग वहां जाएंगे, अधिवक्ता समाज। चलिए, देखिए चुनावी मुद्दे हैं, तमाम तरीके के लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, चर्चा को विराम देंगे यहीं पर, फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ में। कैमरा पर्सन सुनील निषाद के साथ मैं सुनील कुमार, कानपुर।